निर्भया गैंगरेप को आज 5 बरस पूरे होने वाले हैं। इस दौरान निर्भया के परिवार के ऊपर क्या क्या बीता या उनके साथ अब जीवन उनका कैसा है, इसके बारे में हमारे साथ खुद बात करने जा रही है निर्भया की माता जी आशा देवी जी। आशा जी, कैसा आपका जीवन, अब कहाँ किस पड़ाव पर आप पहुँच गए? देखिए, हम अपने आप को तो वही मानते हैं, क्योंकि 5 साल से हमने जब बेटी को खो दिया तो हमने अपने आप को यही तैयार किया कि चलो हमें साथ मिलेगा। हम 5 साल से संघर्ष किए, चारों ओर जहाँ हमें लगा कि यहाँ जाना चाहिए हम हर जगह गए, लेकिन आज भी अभी निर्भया को पूरा इंसाफ नहीं मिला। चलिए, सुप्रीम कोर्ट तक तो आर्डर हो गया, लेकिन अभी भी वही अभी रिव्यू पटिशन 1 का डला है, फिर 3 डालेंगे, तो अभी पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये तो जिंदगी है, समय बीतता रहता है, 5 साल हो गया। लेकिन अगर हमारे बारे में पूछिए तो हम आज भी, हमें इन दिनों में यही लगता है कि हम आज भी वही हैं। तो बहुत मुश्किल रहा इन 5 सालों में, खासकर इन महीनों में तो हमें बहुत दिक्कत होती है, जैसे लगता है कि आज की ही घटना है। तो घटनाएं हैं, रोज होते जा रही हैं। उस टाइम पे ऐसा लगा था कि जैसे लोगों का आक्रोश था, इतना सब कुछ बदलने पे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हर रोज वही चीजें हो रही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ हो रही है। तो हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आपको लगता है कि न्याय अभी तक नहीं मिला, आप कहाँ उसमें कमी पाती हैं? आपको क्या लगता है कि अभी तक, आप तो कह रहे हैं न्याय नहीं मिला है, आप कहाँ कमी मानते हैं? देखिए, हमारा तो यही मानना है कि जब तक वो जिंदा है तब तक हमें हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। अगर उनको सजा मिली है, फांसी हुई की सजा सुनाई गई है, तो उनको फांसी होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, क्योंकि लेट से सजा मिलना, वो सजा का मायने कोई नहीं जाता, क्योंकि उनके मन से भी डर निकल जाता है कि हमें भी कोई सजा मिली है। आप सुने होंगे कि वो जेल में से कैसे मुजरिम उस टाइम बयान दिया था जी। तो कहीं उसको डर रहता कि नहीं, हमें फांसी हुई है, हमें अब बोलेंगे कुछ तो है, और हमें सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रही है, ये हमारा कानून व्यवस्था है जो समय से न्याय नहीं मिलता, इसका ही प्रभाव जो हमारे समाज के ऐसे लोगों में है जो खुलेआम बच्चियों के साथ अपराध करते हैं, मारते हैं, फेंकते हैं जी। तो हम यही मानते हैं कि अगर समय से उनको सजा मिले, एक समय निर्धारित हो कि नहीं, अगर मुजरिम साबित हो गया, उस पे दोष साबित हो गया, तो उसको इतने दिन में सजा हो जानी चाहिए जी। तो शायद हम बच्चियों को बचा पाए। क्या आपको लगता है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं? क्यों? क्योंकि जब ये वाकया हुआ था, ये पूरी घटना हुई थी, उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम सरकारों ने जो थी कानून बनाए, उसके लिए बड़ी मांग उठी, काफी जोर शोर से भी इस बात को लेकर के बात कही गई कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफी कड़ा कानून होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि 5 वर्ष बाद उस महिला सुरक्षा की हम जो बात करते हैं, क्या वो पुख्ता हो पाई है? बिल्कुल नहीं हो पाई जी। अगर पोख्ता हुई होती तो आज हमारे देश में, खासकर दिल्ली में, ऐसा हाल नहीं होता। दिल्ली में पुलिस है, सरकार है, प्रशासन है, सब सुविधा है। दिल्ली में ये हालत है तो और जगह की तो कुछ पूछना ही नहीं है जी। हर रोज दिल्ली में कहीं ना कहीं 2-3 बच्चियां शिकार हो रही है, छोटी छोटी बच्चियां शिकार हो रही है। तो हम कहां से, कहां हमारी महिलाएं सुरक्षित है, हम कहां सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है। मैंने 2 साल पहले कहा था, जब जुगनाई छूटा था, कि अगर हमारी सरकार, हमारा सिस्टम और हम खुद, हमारा समाज अगर नहीं बदलेगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे हाथ से बच्चियों को छीन के हमारे सामने रेप होगा। आज ये वो बुलंदशहर वाली घटना माँ बेटी के साथ हुआ, बच्ची को माँ के गोद से उठा के हुआ, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम को, हमारे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रोज की घटना है जी। लेकिन जिस घर से बच्ची मरती है, जिस घर के महिला के साथ रेप होता है,
कम से कम उस परिवार से तो पूछिए, उस परिवार को तो एक बार दिखाइए कि नहीं इस महिला के साथ ऐसे हुआ है। लेकिन नहीं, जब वोट का टाइम होता आता है तो महिलाएं देखती हैं, आज देश की आधी आबादी देखती है, बाकी सब भूल जाता है। और एक इस घटना के बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था सरकार की तरफ से कि जो रेप पीड़ित जो बच्चियां होंगी या जो भी रेप पीड़िता होंगी उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ठीक है, उनकी मदद की जाएगी। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, एक अखबार में प्रकाशित हुआ कि उस फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी कि उनको वो सहायता ही नहीं दी गई थी जिसके लिए वो फंड बनाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उस फंड के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानती या जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस फंड को बकायदा निर्भया के नाम से, हाँ, निर्भया के नाम से बनाया गया था। ये कह के बनाया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगा, लेकिन मैं भी यही पूछना चाहती हूँ तो उस महिलाओं के सुरक्षा के लिए उस फंड से क्या बना? मुझे तो नहीं लगता कि एक विक्टिम को भी उससे कोई मदद मिली है। 15 में जब जुगनाई छूटा था उसी टाइम आईटीआर से एक पता लगा था कि 3000 सैंपल रेप से खाली रेप के फॉरेंसिक लैब में पड़े हैं, जो जिसमें 1600 2000 के आसपास खराब हो गए हैं, 2000 मुजरिम छूट जाएंगे। हमने उसी टाइम से मांग किया था, आप आज तक मैंने आवाज उठाती आई हूँ, उसका लेटर मैंने हर जगह मंत्रालय में दिल्ली सरकार को, महिला आयोग में हर जगह दे दिया, पुलिस कमिश्नर के पास दे दिया, आखिर उस निर्भया फंड से सरकार दिल्ली में एक फॉरेंसिक लैब बनाए कि जिससे समय से डीएनए टेस्ट कोई भी सैंपल हो महिलाओं से जुड़ा, चाहे जिससे भी, समय से उसका रिपोर्ट आए और समय से फैसला है। कई बार केस उस डीएनए रिपोर्ट के चक्कर में खींचता है, लेकिन अभी तक कोई इसका पॉजिटिव हमें कहीं से जवाब नहीं मिला। आखिर नहीं सरकार हमारी आवाज को सुनी, उस पे अमल किया, नहीं किया। आप क्या मानती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कहां खामियां हैं, या आपकी क्या सलाह है, या प्रशासन कहां पर उस बात पर मुस्तैद नहीं है? आपको क्या लगता है कि उसे कहां पुख्ता किए जाने की जरूरत है, क्या क्या कदम अपनाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी कानून व्यवस्था ठीक हो, हमारी पुलिस व्यवस्था ठीक हो। आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनका तुरंत रिपोर्ट नहीं होता है, सिस्टम में है कि सालों साल केस निकल जाते हैं, विक्टिम के लिए कोई रूल ही नहीं है कि उसके लिए कोई, अगर वो कोर्ट में जाना चाहता है, वो अपना केस को सुनना चाहता है, तो उसको 1000 रूल दिखाए गए हैं कि आप इसमें पार्टी नहीं है, आपको पास नहीं मिलता, आप नहीं जा सकते। और मुजरिमों के लिए 1000 ऑप्शन है कि आप वहां जा सकते हो, 1000 ऑप्शन है बचने के लिए। तो ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो जब भी केस होता है, हमारे जो सरकार में प्रतिनिधि बैठे हैं वो कहते हैं कि वो महिला वहाँ क्या कर रही थी, महिला के कपड़े छोटे थे, वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैंने घूम फिर के दोष उन्हीं पे लगा देते हैं। और एक बार भी उस लड़के से नहीं पूछा जाता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। लड़कियों को कहा जाता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बार लड़कों को भी समझाना चाहिए कि नहीं, तुम किसी की इज्जत क्यों खराब कर रहे हो, किसी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। तो हमारे जो सरकार में जो हमारे ऐसे लोग बैठे हैं उनको सोच बदलने की जरूरत है। जिस दिन ये तीनों सिस्टम बदल जाएगा उस दिन महिला हमारे देश में सुरक्षित। आपने इस पूरे इन 5 सालों के दरमियान जैसे कि आपने कहा कि जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा, ठीक है, न्याय के लिए आप लगातार संघर्ष आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। अब आपका बेटा जो है वो कमर्शियल पायलट बने, है ना? तो अब आप क्या मानते हैं जीवन को, क्या आपको लगता है आगे अपने भविष्य के लिए, परिवार के भविष्य के लिए कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बच्चा है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गया जी, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। लेकिन जो हमारे बच्ची के साथ हुआ, जो उसको तकलीफ हुआ, मैं उससे अभी भी नहीं उभर पाई, वो दुख हमें हमेशा रहता है। बच्चा अपने लाइफ में खुश है, मैं भी बहुत खुश है, मैं एक कामना करती हूँ कि आगे बढ़े वो।
लेकिन जो हमें दुख है वो हमेशा हमारे दिल पे हमेशा बोझ की तरह रहता है, हमें हमेशा घुटन होती है। मैं ये इसीलिए संघर्ष करती हूँ कि जो भी हमारे बच्चे के साथ हो और बच्चे के साथ ना हो, लेकिन बहुत मुश्किल है आज छोटे छोटे बच्चियों के साथ हो रहा है, लेकिन मैं मेरा यही एक संकल्प है और हमारे समाज से, सरकार से, मीडिया से सबसे यही है कि निर्भया को इंसाफ मिले और मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाऊंगी।